So, finally guys, हमने जो है ग्रैंड पा को पकड़ के वहां पे बंद किया है जहां पे हमें बंद करके रखा जाता है, राइट? तो ये देखो ग्रैंड पा की सूरत, वाह क्या बात है भाई। दूर से देखने में काफी डरावना, लेकिन नजदीक से देखो साला कार्टून दिखाई पड़ता है। खैर मैं आपको ग्रैनी से भी मिलवाता हूँ क्योंकि मैंने ग्रैनी को भी पकड़ के बंद कर रखा, राइट? देखो यार ये देखो बेचारी बेबस ग्रैनी जो कि अब कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि हमने उसे पकड़ के बंद कर रखा है क्योंकि वो मेरे बस में है, राइट गाइस? बेचारी ग्रैनी, ओ ग्रैनी तो चुपचाप है साला, ये बुढ़ा चुपचाप नहीं रहा। बैठ टकले, आईसीयू के बच्चे, तेरे सर पे बाल नहीं है बता दे रहा हूँ, आंखें भी तेरी आलू की जैसे छिली हुई है, पूरा छील के रख दूंगा मैं। इसका थोपड़ा देखो यार, नाक कितनी लंबी है यार इसकी, चुपचाप बैठ जा वरना गुत्ती में तेरी गोलियां सारी उतार दूंगा मैं। अच्छा खैर यार बकचोदी बाद में करेंगे, लेकिन अब हम गेम प्ले वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। लेकिन चैनल पर नए हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सो गाइस ग्रैनी के घर में हमारी पहली सुबह हो चुकी है, आज हम करेंगे ट्रेन स्केप, राइट? तो गाइस हमारा पहला दिन शुरू हो चुका है, शरीर अकड़ा हुआ है, तो फटाफट से हम इस लॉक पिन को उठाते हैं और इस डोर को ओपन करते हैं। खुल जा भाई खुल जा। ओके डोर ओपन हो चुका है, इधर देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है भाई। हो देखो यार ग्रैनी और ग्रैंडपा को तो मैंने पकड़ लिया था, लेकिन अब वो छूट चुके हैं हमारे चंगुल से, अब हम पे वो अटैक कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हमें बच बचा कर ही चलना पड़ेगा। वो देखो उसके हाथ में शॉर्ट गन भी भाई, अगर मैंने जरा सा भी चू भी किया भाई वो मेरी चू की चा कर देगा, तो इसलिए बचते बचाते चलना है। मेरे को ही उधर जाना था वेपन की ढूंढने के लिए, लेकिन साला बुड्ढा ही उधर चला गया, कर भी कह सकते हैं। तो मुझे इस डोर से बाहर जाना है और यहां से मुझे स्टोन उठाने पड़ेंगे ताकि मैं ग्रैंडपा एंड ग्रैंड के गुत्ती बजा सकूं, राइट? तो आई थिंक मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाए। वाओ अपने को वेपन की मिल चुकी। अरे यार डर भी लगता है यार इस स्लेंडरीना से, मुझे फटती है यार अचानक अगर आ जाती है तो। लेकिन सबसे दुखद बात यह है भाई, अरे ग्रैंडपा मेरे पीछे भाई और मेरे पास एक ही स्टोन है। अरे यार मैं कैसे बच पाऊंगा? अरे ऊपर से ये यार, ये ऊपर से ग्रेनेड ट्रैप बिछा रखा है, जल्दी करो यार आना जाए यहाँ पे। ओह थैंक गॉड कोई नहीं आया, बच गया मैं। कोई है? कोई नहीं है, लेकिन बुरी बात यार ये है कि मेरे पास एक ही स्टोर है। अरे कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे भाई आजा आजा, दोनों आ रहे भाई दोनों आ रहे। ओह ओके मेरे पास स्टोन भी नहीं है यार, ग्रैनी आना जाए यार इधर, देखता हूँ यार। आवाज तो शांत हो गई है, साला दम घुट रहा है यार। ओके ग्रैनी चली गई है। ओके इसमें एक ही एमओ है यार। ओके इधर पड़ी हुई है, वाह 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 काम किए काम किए। चलो दोनों उठा लेता हूँ। इसमें क्या है? बेबी डॉल मिल जाए यार, कोई बात नहीं, हम ग्रैनी को बुलाते हैं यहाँ पे और उसको टपकाते हैं यार, वो सबसे खराब है। ये देखो आजा आजा आजा, आंखें देखो बिल्ली जैसे चमक रही है। देखो यार ग्रैंडपा तब तक खतरनाक लगता है मुझे जब तक उसके हाथ में ये शॉट गन है, लेकिन अब मेरे हाथ में शॉट गन है इसका मतलब ये है इस घर का मालिक मैं ही हूँ, मतलब जब तक ये दोनों जिंदा नहीं हो जाते। कुछ टाइम का इन्होंने ब्रेक लिया, उसके बाद तो मेरी ऐसी कैसी कर ही देंगे। चलो एमओ लोड किया मैंने और यहाँ से हम इस वाले जार को या गमले से जो हो नीचे गिर देते हैं ताकि उस वाले रूम में चला जाए और हमें दोनों को दोनों मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं उस रूम में और दोनों को हम जो है नीचे गिरा देंगे जहां से हमें काला पानी भर के इसको वहां पर रखना पड़ेगा, तभी हमारा आगे का टास्क पूरा होगा। तो इधर हम कूद जाते हैं, राइट? ओके तो मैं यहां से देखो इस शॉर्ट गन का सहारा नहीं लूंगा, आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बच के नहीं तो नीचे गिर जाओगे। इस फट्टे पे एकदम आराम से जाने का और इसको ऐसे नीचे उतार लेने का। अरे अबे यार अभी नीचे गिरा देती मेरे को, और शॉटगन भी मेरी ऊपर पड़ी है, और उसके बाद जो इधर फेंकना है क्योंकि यहाँ पे फेंकने से क्या होगा आपको ये वहीं पे मिलेगी जहाँ पे आपको काला पानी मिलेगा। ये है झूला स्लेंडरीना के बच्चे का, आई मीन टेडी, यहाँ पे हमें ला के डालना पड़ेगा। चलो शॉटगन हमने उठा लिया और ग्रैनी उधर जाएगी, अगर उसे सुनाई पड़ा होगा तो वो नीचे भागती हुई जाएगी। अभी ऊपर ग्रैंडपा हो सकता है, कोई नहीं है भाई। अब हम चलते हैं उस कौवे की ऐसी तैसी करेंगे, चलो क्योंकि कौवे के पास कुछ ना कुछ तो रखा होगा।
क्योंकि इन बुढ़े बुढ़ियों ने भाई उसको भी पाल रखा है। वैसे यार मुझे समझ नहीं आता रात के समय में कौवा कौन बैठा होता है यहाँ पे, उल्लू बिठा देते तो थोड़ा अच्छा होता। चल चाबी दे, चाबी दे। अबे रुक जा तेरी तो मैं। लो भैया अब हार्ट बीट तेज हो गई है, इसका मतलब ये ग्रैनियर ग्रैंडपा की आंखें हो गई हैं लाल और वो मेरा बम कर देंगे लाल भाई, तो इसलिए मुझे उसे टपकाना पड़ेगा या फिर वो मुझे टपकाएंगे, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। तो दोनों काम में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, या मैं उसे टपका दूँ या फिर वो मुझे टपका दें। तो ऐसा तो होने नहीं देंगे हम कि वो हमें टपका दें, क्योंकि हमारे हाथ में शॉटगन जो है भाई। लेकिन गलत बात ये है कि एमओ एक ही है यार, दोनों एक साथ ही आएंगे वो अटैक करने के लिए। चलो चलो चलो, उस कार में हमारे पास एमओ होगी और होना भी चाहिए, बाई चांस कई बार नहीं भी होती है। फटाफट फटाफट से वो दौड़े हुए आ रहे होंगे यहाँ पे, मुझे पता है। ओके चलो अब आ जाओ, आओ आओ आओ। लो भैया आ गई आ गई आ गई, आ जाओ आ जाओ। आँखें देखना भाई उसकी, आँखें देखो, आँखें देखो। ओहो लो भाई ग्रैंडपा भी आ गए, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आँखें देख रहे हो उसकी, जान निकाल लेते भाई ये इतने गुस्से में थे। खैर स्टोन मिल गया है, हमारे काम की चीज़ें हैं ये। अरे यार इसकी तो ऐसी जैसी, इससे मुझे पीछा छुड़ाना पड़ेगा यार, मुझे पहले टेडी ढूंढना पड़ेगा, टेडी मिल जाए। ओके तो यहाँ पे मैंने चाबी ऊपर से फेंकी थी राइट। ओके अरे वाह क्या बात है, अपने को टेडी मिल गई और वो भी ग्रैनियन ग्रैंडपा नीचे अभी उसकी बत्ती गुले। आराम से भाई इस टेडी को हम ऊपर पहुँचा सकते हैं, कोई डर नहीं है, नहीं तो ग्रैनियन ग्रैंडपा भाई पीछे लग जाते हैं वो। अभी वो आराम से चैन के नहीं सो रहे हैं एक मिनट के लिए। हम फटाफट से इसके अंदर क्या है, हम फटाफट से ऊपर जाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलो हमारी गुलेल भी यहाँ पे पड़ी हुई है, अचानक से उठाने के लिए मैंने बीच में रखा हुआ है, क्योंकि वेपन ऐसे बिखेर के रखोगे सही जगह पे तो आपको खेलने में आसानी होगी। चलो तो ऊपर चलते हैं, हमें जाना पड़ेगा उस वाले रूम में जहाँ पे स्लेंडरीने के बच्चे का झूला है और उसमें हमें ये टेडी डालना है। चलो यहाँ से हम कूद जाते हैं। ओके इस झूले में हम फेंकते हैं। ओ थैंक गॉड इससे मेरा पीछा छूटा भाई, ये बहुत ही परेशान करती है पीछे, ऐसे करो तो ऐसे शरीर पूरा हिल जाता भाई। इसने क्या दिया अपने को, पैड की दे दिया। चलो भैया पैड की मिल गई अपने को, पैड की मिल गई है और पैड की हमें वहां पे लगानी पड़ेगी जहां पे मैंने काला पानी रखना पड़ेगा पहले। लेकिन बुढ़े बुढ़ी कहां पे मुझे ये भी देखना पड़ेगा। चलो अरे बुढ़िया तो इधर ही आ रही है भाई, अरे मेरे वेपन भी कहाँ है, मेरे शॉटगन भी नहीं यहाँ पे। ओके यहाँ पे हाँ मेरे पास यहाँ पे गुलेल पड़ा हुआ है मेरा। ओके आ जा इसके मुंडी पे मारूंगा। देखो यार मुंडी पे मारने से ये होता है ये ब्रेक ले लेती, अगर इसकी बॉडी में लगी तो भैया फिर तो कुछ ही टाइम में वो वापस हो जाएगी, लेकिन इसके मुंडी पे मारो एक मिनट के लिए सो जाएगी। चलो तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं और काला पानी भाई भरते हैं। देखो काला पानी, ओहो बदबू भी आ रही है साली। ये रहे स्टोन, स्टोन उठा लो भाई, बहुत बचाता भाई स्टोन, मैं सच बता रहा हूँ स्टोन तो भाई। लेकिन बुरी बात ये साला दो ही स्टोन रख सकते हैं एक साथ में यार, खैर कोई बात नहीं दो ही बहुत होते। ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा। ओ भाई देख लिया उसने, देख लिया। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। अबे यार वो बजा देगा आगे कान पट्टी पीछे से, मच्छर की आवाज आ रही पीछे, इसका मतलब वो आ रहा है पीछे आ रहा है। कहाँ रह गया भाई? ओके धीरे धीरे चलते धीरे धीरे, अचानक आके ना खड़ा हो जाए यार मुंह पे। कहाँ है, कहाँ है भाई? ओके बाहर जा रहा है। चलो थैंक गॉड, बस हम अपने को एक और रखना है, अभी अपने एक रखा दो रखने होते हैं, उसके बाद हम पैड की यूज कर सकते हैं। चलो कोई बात है, बाहर चला गया। हो चलो अच्छी बात है बाहर चला गया, वो आई थिंक वो एक राउंड लगा के आएगा पूरे घर का, तब तक हम इसे उठा लेते हैं। तो ग्रैनी होते उसका ज़्यादा डर होता, क्योंकि वो जरा सी भी आहट सुनती है ना भाई वो भागी चली आती है, लेकिन इस बुढ़े को तो कुछ सुनाई देता नहीं, साला बहरा ही है, उसका हमें फ़ायदा हो जाता है। साला आँखें भी इसकी आलू की तरह छिली हुई हैं, दिखाई भी कम पड़ता है इसको। अरे यार मैं इसकी बात कर रहा था, ये मेरे फिर से पीछे पड़ गया यार, ये क्या बकचोदी है, अभी मैं पिछली बार इससे बचाऊं फिर ये आ गया यार। ओ भाई चलो 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 देखते हैं, आई थिंक वो पीछे हट जाए यार तो ज्यादा अच्छा रहेगा, देखते हैं कहाँ है। अरे यार भाई मर मर गया था यार, बच गया मैं तो, बाल बाल बचा।
भाई सच बता रहा हूँ, बाल बाल बचा, जरा से भी चूक होती भाई वहीं पे लपेट लेता मेरे को ये बुड्ढा। देखते हैं यहाँ पे आ जाएंगे दोनों शायद। ओके दोनों आ चुके हैं, दोनों आ चुके भाई, दोनों आ रहे थे पीछे से, तभी एक ग्रैनी ग्रैनी चिल्ला रहा था। चलो कोई बात नहीं, थैंक गॉड दोनों नीचे आ गए, अब अपने को डर नहीं है, अब ऊपर जाते हैं और मैं पैड की उठाऊंगा और यहाँ से लाना पड़ेगा पैड की मुझे, तभी हम उससे खोल पाएंगे क्योंकि दोनों चीज़ें हमने रख दी हैं। तो ये रही अपनी पैड की, और लेकिन अब ग्रैनी एंड ग्रैंड पर कभी भी ऊपर आ सकते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ग्रैनी पहले आएगी, आवाज़ उसने सुन लिया ना, वो अपनी स्पीड बढ़ा चुकी होगी तो वो जल्दी से आएगी। अब मेरे को ग्रैनी को टपकाना है, तो उसके लिए मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। देखना अभी अभी बुलाता हूँ ग्रैनी को, मैं यहाँ पे फेंकूंगा इसको मैं, ये लो अब आएगी, आएगी पक्का आएगी। एक बार फिर से फेंकूँ क्या, आ गई आ गई आ गई आ गई भाई, आजा 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 आजा, इसके मुँह में मारूंगा पूरा मैं। चलो टपक गई है, तो आई थिंक ग्रैंडपा भी होगा क्योंकि वो साथ में थे ना दोनों। आजा आजा आजा, थैंक गॉड भाई आ गया दोनों, क्योंकि एक साथ का दोनों का ब्रेक मिल जाता ना, अपन काफ़ी कुछ निपटा सकते हैं, नहीं तो एक जिंदा रहता है और दूसरा फिर उतनी बात नहीं बनती। लेकिन ग्रैनी सोई रहे तो भाई काफ़ी बात बन जाती है, क्योंकि ग्रैनी कभी भी पीछे पड़ जाती है यार, मत पूछो यार क्या मिल, देखते हैं क्या मिलता है। अब हमें को पैड की से, क्योंकि अपने को ट्रेन करना है, तो आई थिंक हमें ट्रेन वाली चीज़ें मिल जाए। ओके देखते हैं क्या मिलता है क्या। ओके काम की चीज़ मिली, ये क्या है। ओके हाँ ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक जहाँ पे इलेक्ट्रिक फेस है ना वहाँ पे अपन लगाएंगे और ये काम की चीज़ है। राइट, उसके बाद अपने को चाबी भी ढूंढनी पड़ेगी, ट्रेन की जिसे बोलते हैं, और अपने को एक टिकट भी चाहिए होगा। राइट, और एक चाहिए होगा अपने को हैंड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा। ओके ट्रेन की मिल चुकी है। राइट, ट्रेन को हम यहीं पे छोड़ दे रहे ट्रेन की को, क्योंकि इसका तो हमें यहीं पे जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से हम उठा लेंगे बाद में। तो इसमें देखते क्या है। ओके कोकोनट मिला है, कोकोनट में देखते हैं अब क्या मिलेगा। यार ये बड़े पैतरे, पहले ये ढूंढो फिर वो ढूंढो, यार पता नहीं लेमड़ा तेमड़ा, सीधे सीधे चीज़ें नहीं रखी जा सकती। वैसे सीधी सीधी चीज़ रखी तो गेम का मजा ही क्या आएगा ना। चलो 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 चलो, कोई नहीं है कोई नहीं है भाई कोई नहीं है, सांस अटक रही है मेरी, सांस अटक रही है भाई। अब मैं इसको काटूंगा तो नॉइस होगी, नॉइस होगी तो ग्रैनी आएगी और मेरी बैंड पे जाएगी, मुझे भागना पड़ेगा जल्दी से। चलो चलो इसमें क्या मिला। अरे वाह क्या बात है, सेफ की मिली है। अब सेफ की से देखते हैं हम क्या मिले। सेफ की के लिए भाई हमें ऊपर जाना पड़ेगा क्या यार, हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो हल्के से मैं डोर खोलता हूँ। ओके कोई नहीं है कोई नहीं कोई नहीं भाई कोई नहीं है भाई, मेरे बूम्स खड़े हो जाते हैं भाई। अरे यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थैंक गॉड। अरे किसी ने देख लिया मुझे, किसी ने देख लिया भाई, किसी ने देख लिया मुझे। कौन था वो, कौन था वो कमीना, कौन है कौन। ओ कमीनी है, ग्रैनी भाई। ये नीचे झुक के ना देख ले भाई, कई बार होता है यार ये पिट जाते हैं, हम नीचे भी झुक के देख लेती है। ओके चले गए, चले गए भाई चली गई। ओके ओ बुढ़ाओ, अरे यार मुझे उधर ही जाना है यार, मुझे उधर ही जाना था यार। ओ शिट ये गया भी उधर ही, जिधर मेरे को ये सेफ की लगानी है उधर ही गया वो। अब मैं क्या करूं, ये देखो ट्रैप बिछा रखा है ग्रैनी ने, तो अपने को स्टोन चाहिए। ये मिल गए मिल गए मिल गए, एक स्टोन मिल गई है और एक आधा और स्टोन मिल जाए भाई, एक आधा और, दोनों मिल चुके अपने को। और उसके कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडपा। अरे रे 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 रे, अरे उसने शॉट चलाया नहीं भाई, मेरे शॉट उड़ जाते। ग्रैनी भी आ रही, ग्रैनी भी आ रही है, थैंक गॉड मेरे पास दोनों दो दो स्टोन है भाई, नहीं तो बात बनती नहीं अभी। चलो इससे हम ये, अरे यार इसमें तो एमओ भी नहीं है, साला खाली लेके घूम रहा है। लेकिन भाई उसके लिए खाली बहुत है, वो चला लेता है भाई, खाली भी चला लेता है भाई। जादूगर है ये, जादूगर है साला, इसके जादूगरी हम निकालते हैं। तो मैं इसको कहाँ छुपाऊँ, क्योंकि मुझे इसको छुपाना भी पड़ेगा, नहीं तो वो ग्रैंडपा साला फिर से उठा लेगा भाई, क्योंकि मैंने एक बार छुपाया था तो उसने उठा लिया था। चल यार नीचे चल, हाँ इस कोने में उठा दे, क्योंकि इस कोने में वो तो आएगा नहीं। चलो ये सेफ की है, इस सेफ की को अपन यहाँ लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है।
अरे वाह क्या बात है, ये जनरेटर की वायर है और अपने को जाना है अब जनरेटर स्टार्ट करना है, राइट। अब जनरेटर चालू करेंगे और बिजली आ जाएगी और उसके बाद हम लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिफ्ट का मैं कम ही इस्तेमाल करता हूँ। ये लगाए, ओके जनरेटर ऑन हो गया भाई। चलो भाई अब बिजली आ गई, जाओ अपने अपने घर देखो, टीवी देखो, मौजे करो, क्योंकि जनरेटर मैंने ऑन कर दिया है। तो ग्रैनी घर में लाइट आ गई है, तो ये मैं उठा लेता हूँ मेरे पास। ओके स्टोन भी मिल गया, वाह क्या बात है, स्टोन भी मिल चुकी है अपने को। गुत्ती बजाएंगे इन दोनों की हम। नीचे चलता हूँ, रुको अभी। वाओ मिल गई अपने को ये। अपने को जाना पड़ेगा अब ऊपर, क्योंकि इससे हम ऊपर वाला बॉक्स खोल के देखेंगे हमें ऊपर क्या मिलता है। चलो 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 चलो, कोई ना हो कोई ना हो भाई, रास्ते में कोई मिल ना जाए यार। धीरे 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 धीरे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चल 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 चल, कोई नहीं। ओके थैंक गॉड, कोई नहीं भाई, बच गया। अरे यार इस, मैं डोर स्केप भी कर सकता हूँ, मैं डोर स्केप भी कर सकता हूँ अब, क्योंकि बस यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा फ्यूज़ और उसके बाद बटन दबाऊंगा डोर ओपन हो जाएगा। लेकिन हाँ मेरे को एक मेन डोर का भी चक्री चाहिए होगा, वो क्या बोलते हैं यार मेन डोर ओपन करने के लिए। चलो कोई बात है, इसको खोलते। अरे वाह क्या बात है, अपन को ट्रेन स्केप करना है फिलहाल। तो ये मिल चुका है, आइकॉन मिल चुका है ना, ये टिकट ही मैं बोलता हूँ इसको। तो चलो मैं इसको इधर फेंकता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ग्रैनी ना नीचे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो ऊपर नहीं आएगी, वो नीचे ही जाएगी जहाँ पे नॉइस होगी लास्ट टाइम। तो यहाँ से मैं छलांग लगाता हूँ नीचे और आराम से निकल जाऊंगा यहाँ से। कोई है तो नहीं? हेलो ग्रैंडपा, कहाँ हो? खाली है यार ये, तो तुम कहाँ हो ग्रैंडपा? अरे ग्रैनी आ रही है, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। अरे भाई ओ बच गया भाई, बच गया। एक साइड ग्रैनी और दूसरी साइड ग्रैंडपा, मार देते भाई अभी लोग ये मेरे को। हो दोनों पीछे पड़े हुए आई थिंक, तो मैं टिकट बाद में लूंगा इसकी, बटन दबा के छोड़ देता हूँ। ओके आई थिंक वो शांत हो गए हैं, उसकी नज़रों से मैं ओझल हो चुका हूँ। अब चलकर देखते हैं कहीं यहाँ पे दोनों आ ना रहे हो यार पार्टी करते हुए, मेरी बैंड बजा देंगे साले ये। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब अपने को चाहिए होगा वो प्लाई वुड और वहाँ से देखते हैं अपने को क्या मिलता है। देखो यार मेरे को अभी चीज तक वो चीज नहीं मिली है जो कि ट्रेन में वो लगती है, एक मेन लकड़ी का वो होता है ना हैंडल सा, वो नहीं मिली है। बाकी सारी चीज़ मिल चुकी है, हम ट्रेन स्किप कर सकते हैं। मैंने जनरेटर भी ऑन कर दिया। अरे ग्रैनी 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 ग्रैनी, अरे यार चलो इसके तो बज गए बैंड, इसमें क्या कुछ नहीं है यार। ओके कोई नहीं है, तो स्टोन मिल गया, स्टोन मिल गया मिल गया मिल गया। ग्रैंडपा की गुत्ती बजाते हैं, रुको ग्रैंडपा कहाँ है, ग्रैंडपा कहाँ हो तुम? हेलो ग्रैंडपा, ओ आ रहा आ रहा आ रहा भाई। चलो ये भी उठाई लेते हैं अपन, काम की चीज़ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ। देखो भाई इससे मुझे तब डर लगता है जब इसके पास ना शॉटगन होती है, क्योंकि भाई ये उड़ा देता है भाई। बहुत बार मरा हो यार इसके हाथों, बहुत बार मरा हो यार, बहुत प्रैक्टिस करी थी मैंने तब जाकर थोड़ा बहुत मैं आपके सामने खेल भी पाता हूँ, वरना मेरी औकात का मेरी गांठ पड़ जाती है यार इसे खेलते खेलते। खैर इस बार तो अपन खेल ही लेंगे। तो ये मैंने दबाया आर, फट्ठा लगा दिया मैंने यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। ये क्या बकचोदी है, ये क्या है? मुझे डोर स्केप नहीं करना था यार, मुझे ट्रेन स्केप करना है, लेकिन साली वो चीज मुझे मिली नहीं। मेरे को डोर स्केप नहीं करना था, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं। लेकिन देखो यार मुझे ट्रेन स्केप करने के लिए मुझे एक वो लकड़ी लकड़ी टाइप का होता है ना, वो ट्रेन का हैंडल टाइप का ना, मेरे को ट्रेन की भी मिल चुकी है, मेरे को टिकट भी मिल चुका है वहाँ से, और बस वो हैंडल को चाहिए होता है, और वो मैंने इलेक्ट्रिक का भी वो सिस्टम लगा दिया था वहाँ पे, सारी चीज़ मिल चुकी थी, लेकिन एक बकचोदी हो गई। अब बताओ मैं क्या करूँ यार। ये देखो टिकट भी मेरे पास राइट, और ये देखो ये ट्रेन की भी है मेरे पास राइट, और मैंने इलेक्ट्रिक वाला फेस भी लगा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूं यार, वो चीज़ मुझे मिली नहीं, पूरा मैंने घर छान मारा ग्रैनी का, या गेम ग्लिच कर गई है क्या? एक एक कोना देखा यार मैंने आपके सामने, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, मुझे डोर स्केप भी करना पड़ेगा यार। ओ शिट मैं क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा।
चलो कोई बात नहीं, डोर स्किप तो कर ही सकते हैं ना, ट्रेन से ही अगली बार करेंगे ट्रेन स्किप। और तो यही है, गेम में ग्लिच है यार, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देखो पूरा कोना कोना देखा हूँ यार, कहीं नहीं मिला मेरे को। इज ए वेरी बैड ग्रैनी। ग्रैंडपा तुमने कहाँ छुपा के रखा है? अरे नॉइस हो गई है, ग्रैनी ना आ जाएगा यहाँ पे। और ग्रैनी तो नहीं लेकिन ग्रैंडपा आ गया। मैं कहाँ करूँ कहाँ करूँ कहाँ करूँ, मैं छुप जाता हूँ छुप जाता हूँ, कहाँ छुप, अरे मैं कहाँ गया भाई? और अरे यार ये मैं क्या कर दिया, कहाँ छुप गया? लो भाई कर लो, अब मैं जल्दबाजी मैं उल्टा छुप गया भाई। शिट। A few moments later. तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया था फेस, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ भाई, ये रहा अपना फेस, और उसके बाद दबाया बटन। चलो भाई अपना मेन डोर ओपन हो चुका है, हम डोर स्केप कर सकते हैं अब। चलो कुछ तो बात बनी, मुझे लगा यार बात हुई नहीं बनेगी, साले बेइज्जती होगी मेरी, और तो कुछ नहीं। ग्रैनियन ग्रैंडपा कोई नहीं दिख रहे, क्या बात है। चलो मैं इसको उठाता हूँ, ये ब्रिज ये हैंडल है ना, ये ब्रिज यानी कि ये जो पुल है ये नीचे गिरेगा इससे। चलो भाई इसको घुमाओ भाई, घुमाओ घुमाओ, जल्दी करो जल्दी करो, बूढ़े बूढ़े ना आ जाए कहीं। सो फाइनली गाइस मैं जो है ग्रैनी के घर से जा रहा हूँ। मैं नाराज हूँ ग्रैनी से, क्योंकि उसने मुझे बहुत तंग किया है। तो थैंक गॉड यार ग्रैनी के घर से हम स्केप कर चुके हैं। सो यार आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम लोग करते नहीं हो।